हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं, और ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि LDC एग्ज़ाम 2018-19 अगस्त 2018 के पेपर में राजस्थान जीके के सारे प्रश्न पूछे गए। अगर आप लोग वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 4 बार अब तक आ चुका है। तो मलिनाथ जी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइएगा, पर्यूषण पर्व जो है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, बाण गंगा मेला कहाँ पे लगता है। बाण गंगा मेला जो है वो कहाँ पे, किस ज़िले में लगता है, तो जयपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, निम्न में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम पे है। डेयरी दुग्ध संकलन पे सबसे नंबर 1 पे है, बिल्कुल जयपुर में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो दुधारू पशु है, जो दूध देते हैं, उनके लिए कौन सा जो एक चारा सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है सेवन। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, इनमें से वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, प्रदेश के वर्तमान नाम जैसे गंगानगर, उदयपुर, जालौर और भरतपुर, इनके प्राचीन नाम सामने दिए गए हैं, इनमें से गलत आपको चुनना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो 6 का डी हो जाएगा, भरतपुर का विराट नहीं था, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, निम्न में से सीता माता अभ्यारण जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, कहाँ पे है, किस चीज़ के लिए फेमस है। आप सभी जानते हैं कि जो सीता माता अभ्यारण है वो उड़न गैलरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे भारत के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। इन चारों में से कुंभा के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, राजवल्लभ को छोड़ के बाकी सारे कुंभा के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, निम्न में से किसने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। भील आंदोलन की शुरुआत या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो गोविंद गिरी, स्वामी गोविंद गिरी। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक, हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए पंडित न्यूनराम शर्मा, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, किसके प्रस्ताव पे मत्स्य संघ का नाम रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न बन चुका है। मत्स्य संघ का जो नाम रखा गया था, नामकरण, वो किसका प्रस्ताव था। KM मुंशी, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे, जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से कौन से ग्रंथ से मिलती है। जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुए थे, उनकी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो 12 का सी हो जाएगा, कन्नड़ दे प्रबंध। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो चरी नृत्य उत्तर रहेगा हमारा, ऑप्शन डी। 14 की हम बात करेंगे, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, इजी क्वेश्चन है, जम्बो जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनास बांध परियोजना का निर्माण जो है किस जिले के अंदर, तो 15 की हम बात करेंगे, ऑप्शन बी बांसवाड़ा में। 16 की बात करेंगे, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती संबंध किस क्षेत्र से। उमर फारूक मेवाती का जो संबंध है वो किस संबंध किस क्षेत्र से है। 16 का बी हो जाएगा, संगीत से।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई, जिलों का ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम। देखिए ज़्यादा से कम आपको बताना है क्रम, जिनमें जनसंख्या जो साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, इनमें से सही क्रम चुनना है, चारों में से सही कौन सा है। बिसलूर बांध जो है वो है बनास नदी, ऑप्शन ए हमें उत्तर मिल गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे, निम्न में से मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र गंगानगर, हड़ौती प्रदेश, हड़ौती पठार या डूंगरपुर या सिरोही में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर। हाड़ौती पठार, क्योंकि चंबल नदी के कारण जो है सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। 20 की हम बात करेंगे, गगर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर के ज़िलों में पाया जाता है, निम्न में किन दो नदियों के निक्षेप, दोआब जो मैदान है किन दो नदियों के बीच में या किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है, ये हनुमानगढ़ गंगानगर में जिलों में पाया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, गगर और सतलज नदी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। 21 की बात करेंगे, सही क्रम को चिन्हित कीजिए, इनमें से सही क्रम आपको बताना है। तो खेतड़ी, सिंगाना, तांबा, ऑप्शन ए उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक, सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादक अलवर, भरतपुर, गंगानगर, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बिल्कुल चंबल, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे, भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013 से 15 के लिए राज्य के वनाच्छित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। 2013 से 15 के बीच में दो सालों के मूल्यांकन में जो रिपोर्ट आई है उसके कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा 85 वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरावली वन रोपण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत की गई 1992-93 में, 25वें का सी उत्तर रहेगा। 26वें की हम बात करेंगे, ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस ज़िले में, ग्रेनाइट की कटाई और उसकी पॉलिशिंग इकाई जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 26, तो चित्तौड़गढ़ में भी है, उदयपुर और जोधपुर, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 27 की हम बात करेंगे, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या, राजस्थान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत तो तापीय विद्युत है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, सबसे ज़्यादा ताप विद्युत से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 28 की हम बात करेंगे, निम्न में से राजस्थान की कौन सी परियोजना जो है राज्य के साझे स्वामित्व में, कौन सी शक्ति परियोजना जो राज्य के साझे स्वामित्व में है। 28 सतपुड़ा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है। तो 28 का सतपुड़ा परियोजना जहाँ तक ही उत्तर होना चाहिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे इस पर। 29 की हम बात करेंगे, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस ज़िले में है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से ज़िले में, तो अलवर में है। 30 की हम बात करेंगे, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, सोडियम सल्फाइड का जो उपयोग है कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो ये चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। 31 की हम बात करेंगे, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के समय के शुद्ध कर राजस्व के कितने प्रतिशत का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में करना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, 7182
नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का आपको उत्तर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही उत्तर देते हैं। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? जलमहल पैलेस, रिश्का पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, माधवेंद्र पैलेस। इनका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।